नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 21 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 के बारे में। क्या कंटेस्ट है? कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 को। फिलहाल हमारे देश में कंज्यूमर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन पुराना हो चुका है ये कानून। इसीलिए सरकार कंज्यूमर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए नया कानून बनाना चाहती है और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 को। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इस बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है पास होने के लिए। इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो ये बिल ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दायरा भी बड़ा होगा इस बिल का, ताकि कंज्यूमर्स की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। क्लास एक्शन केसेस को भी लेगा ये बिल। देखो, कई बार क्या होता है, एक कंपनी के खिलाफ काफी सारे कंज्यूमर्स कंप्लेंट करते हैं सेम इश्यू को लेके, तो इस तरह की कंप्लेंट्स को कहा जाता है क्लास एक्शन कंप्लेंट्स। तो क्लास एक्शन कंप्लेंट्स को भी लेगा नया बिल कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017। इस बिल के अंतर्गत में प्रावधान है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा। मतलब अगर ये बिल पारित हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा। वो सेलिब्रिटीज जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं उनकी भी जवाबदेही तय होगी इस बिल के अंतर्गत, ऐसा प्रावधान है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य कंज्यूमर फोरम का मेंबर नहीं बन सकता। और सबसे लास्ट में एक बात, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में वो केस आते हैं जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत जो है वो 2 लाख से कम है, तो किसी भी प्रकार के एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही कंज्यूमर्स की तरफ से और ना ही उस कंपनी की तरफ से जिसके खिलाफ में कंप्लेंट की गई है। समझ गए? यानी कंज्यूमर खुद ही केस लड़ेंगे 2 लाख से कम का अगर केस है तो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 के बारे में जो हमने डिस्कस किए। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस बिल को, पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमेशा विजयी के बारे में है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे आर्म फोर्सेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राजस्थान के डेजर्ट्स में। मकसद है आर्म्ड फोर्सेज की कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करना, ताकि अगर दुश्मन देश के साथ इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड बैटल होती है तो दुश्मन देश की टेरिटरी के अंदर जाके स्ट्राइक किया जा सके। इस बारे में आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए ये एक्सरसाइज है और राजस्थान के डेजर्ट्स में आयोजित हो रही है ये एक्सरसाइज। नाम है हमेशा विजयी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017 के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? आईएम बिल 2017 राज्यसभा में पास हो गया है। लोकसभा में ये पहले ही पास हो गया था, अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। अगर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो ये एक्ट बन जाएगा। अब कुछ प्रोविजंस पर चर्चा कर लेते हैं इस बिल के अंतर्गत में। देखो, सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि और ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी आईएम कॉलेजेस को। सरकार का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को गठित किया जाएगा जिसमें रिप्रेजेंटेशन होगी वुमन की भी, एससी एसटी की भी। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो इंस्टीट्यूट से संबंधित तमाम तरह के फैसले लेगा, जैसे चेयरपर्सन को अपॉइंट करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, अभी देखो जो आईएम के कॉलेजेस हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, डिग्री नहीं प्रोवाइड करते। लेकिन ये बिल एक बार एक्ट बन जाता है तो आईएम के कॉलेजेस डिग्री भी प्रोवाइड कर सकेंगे। पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखनी होगी आईएम कॉलेजेस की हर एक साल, कैग के द्वारा ऑडिटिंग होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं आईएम बिल 2017 के। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सकाला स्कीम के बारे में है। वैसे तो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, कर्नाटका की सरकार ने लॉन्च की है, लेकिन काफी सुर्खियों में है इसलिए छोड़ते नहीं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ समय पहले कर्नाटका की सरकार ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी में करप्शन को कम करने के लिए सकाला स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन वो सकाला स्कीम पब्लिक सर्विस डिलीवरी में करप्शन को नहीं कम कर सकी। काफी सारी कमियां थी सकाला स्कीम में। अब सरकार ने फिर से सकाला 2 स्कीम लॉन्च की है। मकसद वही है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में करप्शन को कम करना। लेकिन सकाला 2 स्कीम में पहले की जो सकाला स्कीम थी उसकी कमियों को दूर कर दिया गया है। कुछ नए प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। अगर किसी कंप्लेंट को स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में सोल्व नहीं किया जाता है, डिले होता है, तो हर एक दिन के लिए ₹250 का फाइन लगेगा। इसके अलावा सकाला 2 स्कीम में सोशल ऑडिट्स, पब्लिक हियरिंग, सिटीजन चार्टर्स को डिस्प्ले करना, जॉब चार्ट्स को डिस्प्ले करना, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे ग्रेवांस रेडर्स प्रोसेस, ये सब चीजें होंगी सकाला 2 में। मकसद वही है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में करप्शन को कम करना, और लॉन्च की गई है कर्नाटका सरकार के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वाटर हाइसिंथ के बारे में है, जिसे हिंदी में जल कुंभी कहा जाता है।
क्या कंटेक्स्ट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एक प्लान लेके आया है वाटर हाइसिंथ को ऑर्गेनिक मेन्योर यानी ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट करने के लिए। आपने कई बार वाटर बॉडीज पे इस प्रकार के पौधे देखे होंगे, ये वाटर हाइसिंथ है। ये फ्री फ्लोटिंग पौधे हैं यानी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, नेटिव हैं साउथ अमेरिका के, यानी मूल रूप से ये अमेजन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में वहाँ पे मिलते हैं। इंडिया में ये एग्रेसिव इन्वेडर हैं, इनकी वजह से वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी मौत भी हो सकती है। पेरिनियल ये होते हैं यानी बारहमासी ये पौधे हैं, ऊपर फूल भी उगते हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हो। फूड चेन में वाटर हाइसिंथ का कोई स्पेसिफिक रोल होता नहीं है, इसलिए वाटर हाइसिंथ को पेस्ट स्पीसीज के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसीलिए अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एक प्लान लेके आया है वाटर हाइसिंथ को ऑर्गेनिक मेन्योर यानी ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था वाटर हाइसिंथ के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के बारे में है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यह स्कीम है। इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है किसको? इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को, मतलब वो एजेंसीज जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती हैं उन एजेंसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देती हैं। तो ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं कौन सी? कोई भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर की डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हो सकती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन एजेंसीज को असिस्टेंस दी जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है किस लिए असिस्टेंस दी जाती है? शेड्यूल कास्ट के लिए, या तो जो ऑलरेडी हॉस्टल्स हैं उनका एक्सपेंशन हो, या फिर शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा हॉस्टल्स बनाए जाएं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस दी जाती है इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को। अब रिवाइज स्कीम के अंतर्गत एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का प्रपोजल है ताकि इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा सके। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड जो एम्पावरमेंट है वो शेड्यूल कास्ट के एजुकेशनली, इकोनॉमिकली या फिर सोशल एम्पावरमेंट का कामकाज देखता है, ये आप याद रखिएगा। कुछ और डिटेल्स भी देख लेते हैं इस स्कीम से संबंधित। इस स्कीम से संबंधित एससी गर्ल्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स स्थापित करने का प्रावधान है छठी क्लास से बारहवीं क्लास तक। और कहाँ पे? स्टेट के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है। और इन स्कूल्स के लिए, इन रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री लैंड प्रोवाइड करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल कॉस्ट प्रोवाइड करेगी कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए। फर्स्ट थ्री ईयर्स तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस रेजिडेंशियल स्कूल के लिए रेकरिंग जो कॉस्ट है उसका खर्चा भी वहन करेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मिथनॉल इकोनॉमी फंड के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है नीति आयोग प्लान कर रहा है 4 से 5 हजार करोड़ का एक मिथनॉल इकोनॉमी फंड इस्टेब्लिश किया जाए ताकि मिथनॉल को एज ए फ्यूल प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट देखो प्लान कर रही है कि कोल इंडिया एक प्लांट इस्टेब्लिश करे ताकि वो कोल जिसमें एस का कंटेंट काफी ज्यादा है उस कोल को मिथनॉल में कन्वर्ट किया जा सके। मिथनॉल देखो एक काफी प्रोमिसिंग फ्यूल है, सस्ता भी है एज कंपेरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और गैस, इवन क्लीनर फ्यूल भी है। लेकिन इंडिया के पास अभी मिथनॉल काफी कम है। इंडिया इंपोर्ट करता है मिथनॉल को सऊदी अरेबिया और ईरान से। मिथनॉल को पेट्रोल के साथ लोअर क्वांटिटी में मिक्स भी किया जा सकता है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया जा रहा है ताकि व्हीकल्स में डीजल सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करे मिथनॉल। मिथनॉल को देखो वैसे कमर्शियली नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि बायोमास और रिसाइकल कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है मिथनॉल को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मिथनॉल के बारे में और मिथनॉल इकोनॉमी फंड के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे पीआई भी है, देख लीजिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। नो इंडिया प्रोग्राम, क्या कंटेक्स्ट है? नो इंडिया प्रोग्राम के अंदर एक 3 हफ्ते का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन डायस्पोरा के यूथ के लिए। क्या है ये नो इंडिया प्रोग्राम? नो इंडिया प्रोग्राम को 2004 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन डायस्पोरा के जो यूथ हैं, इंडियन डायस्पोरा के चाहे वो NRI यूथ हों या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन यूथ हों, उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ये यूथ नो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया में आते हैं 3 हफ्तों के लिए और इंडिया के कल्चर और हेरिटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये अवेयर होते हैं इंडिया ने क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और IT फील्ड में। तो देखो जब ये इंडियन डायस्पोरा के यूथ इंडिया में नो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जानकारी हासिल करके वापस अपने अपने देशों में जाते हैं तो इंडिया के कल्चर को वहाँ पर स्प्रेड करते हैं। तो ये पूरा
नो इंडिया प्रोग्राम है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ईशान उदय स्कीम के बारे में है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फंड्स एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में। यूजीसी इंप्लीमेंट कर रही है ईशान उदय स्कीम को। ये एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए और इसे स्टार्ट किया गया था 2014 में। इस स्कीम के अंतर्गत में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ताकि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स जनरल डिग्री कोर्स, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स इंक्लूडिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज को परस्यू कर सकें। हर एक साल 10,000 नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है इस ईशान उदय स्कीम के अंतर्गत में। और कौन इंप्लीमेंट करता है ईशान उदय स्कीम को? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक बात और भी आप याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को असिस्टेंस तभी मिलेगी जब वो प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू करेंगे उन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में जो रिकॉग्नाइज्ड हैं यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ईशान उदय स्कीम के बारे में। अब आप दो सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सत्याशोधक समाज से जुड़ा है पहला क्वेश्चन, क्या ये ट्राइबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए मूवमेंट थी बिहार में? क्या ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी जिसे गुजरात में चलाया गया था, या फिर एंटी कास्ट मूवमेंट थी जिसे महाराष्ट्र में चलाया गया था? सबसे लास्ट में ऑप्शन है, क्या ये पीजेंट मूवमेंट थी जिसे पंजाब में चलाया गया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो। यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन 2016 में। सत्याशोधक समाज देखो 1873 में इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। मकसद था सुदराज अनटचेबल्स की सिचुएशन में इंप्रूव करना। तो सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, महाराष्ट्र पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट थी, सुदराज और अनटचेबल्स की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए मूवमेंट थी। देखो हिस्ट्री में इस प्रकार के जो मूवमेंट्स है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार यूपीएससी एक या दो क्वेश्चन इस तरह की मूवमेंट्स पे पूछती ही पूछती हैं। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो इस तरह की मूवमेंट्स पे आप काफी फोकस दीजिएगा। अलग से एक चैप्टर है स्पेक्ट्रम की बुक में भी और बीएल ग्रोवर में भी अलग से चैप्टर है, तो ये इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे एक और सिंपल क्वेश्चन है इंडिया अफ्रीका समिट के बारे में, क्या 2015 में इंडिया अफ्रीका का तीसरा समिट ऑर्गेनाइज हुआ था? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो 2016 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और इंडिया अफ्रीका समिट उस समय करंट अफेयर में था, तो करंट अफेयर तो हम पढ़ के ज्यादा ही हैं, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था करंट अफेयर के हिसाब से ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिया अफ्रीका समिट स्टार्ट किया गया था? ये इनिशिएटिव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1951 में। गलत स्टेटमेंट है। देखो यूपीएससी साफ साफ पूछना तो फैक्ट ही चाहती है यहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्ट फैक्ट पे फोकस कर रही है। यूपीएससी मेनली ये पूछना चाहती है इंडिया अफ्रीका समिट कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर सीधा सीधा पूछेगी तो काइंड ऑफ उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली कुछ बेकार सा ऑप्शन दे दिया कि क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे 1951 में स्टार्ट किया गया था? नहीं किया गया था। अगर हमें पता है, अगर हमने इंडिया अफ्रीका समिट को पढ़ा है, तो 2008 में इंडिया अफ्रीका का पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू का कोई रोल नहीं है इंडिया अफ्रीका समिट को स्टार्ट करने में। तो इनडायरेक्टली फैक्चुअल डिटेल पूछी है यूपीएससी ने यहां पे, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट सही है, तो ए आंसर इसका हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 के बारे में डिस्कस किया। हमेशा विजयी एक आर्म्ड फोर्स एक्सरसाइज है, राजस्थान के डेजर्टियल एरिया में हो रही है। पार्लियामेंट ने आईएम बिल को अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद सकाला स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया, वाटर हाइसिंथ पौधे के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के बारे में हमने डिस्कस किया। मिथनोल इकोनॉमिक फंड पे भी हमने चर्चा की। पीआईबी में नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में हमने जाना। ईशान उदय स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया और दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।